Hello friends, welcome back to another video of Antique Rover. इस टाइम अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े हैं एक और ट्रिप पर और वो है बेंगलोर से कुर्ग के लिए. हम जा रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द फेमस एंड बेस्ट रिजॉर्ट द इवॉल्व बैक. ये सफर हम बाइक से करेंगे. वैसे तो मैप पर बेंगलोर से रिजॉर्ट तक का डिस्टेंस 240 से 250 किलोमीटर शो हो रहा है और हमने इस सफर के लिए मैसूर रोड लिया है. अब हम बैंगलोर से जब कुर्ग के लिए निकले, ये पहला ब्रेक ले रहे हम लोग जो कि 100 किलोमीटर के बाद है. मांड्या के जस्ट बाद ये ब्रेक पड़ा है और हम लोग रुके हुए सीसीडी में रिफ्रेशमेंट के लिए. तो आइए अंदर सीसीडी. यहाँ पर आपको बिसाइड सीसीडी और भी ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो गए, जैसे सबवे एंड साउथ. पर इस टाइम कोविड के कारण यहाँ रिकंस्ट्रक्शन का वर्क चालू था जिससे ये सब क्लोज थे. तो आइए चलते हैं सीसीडी. तो सीसीडी पर हाफ एन आवर का ब्रेक लेके हम वापस निकल पड़े अपने सफर की ओर. चलने के बाद अब हम लोग आए हैं हंसू के पास, जहाँ से दो डाइवर्जन है रोड के. हम लोग यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, टी ब्रेक. अन्नपूर्णा फूड ट्रक है जहाँ से टी ब्रेक ले रहे हैं हम लोग. आप भी रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, बहुत सही है. यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि इसके बाद रास्ते में आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे. इसके बाद हम सीधे निकलेंगे सिंधकपुरा रोड पर जो कि राइट साइड में है. हंसूर क्रॉस करने के बाद ही आपको ऐसी ही ग्रीनरी मिलेगी जो कि रास्ते को और खूबसूरत बना देती है. सिद्धापुरा रोड पर जब आप लिंगापुरा फॉरेस्ट क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, वहीं कहीं राइट साइड में आपको दिखेगा द इवॉल्व बैक का ये बोर्ड, जहां से आपको डायवर्जन लेना है. तो अभी जो आपने खूबसूरत से व्यू देखी वो थे नागर हॉल फॉरेस्ट के. हम वो नागर हॉल फॉरेस्ट क्रॉस करके अब आए इवॉल्व बैक के बोर्ड के पास, जहां से 3 किलोमीटर दूर है इवॉल्व बैक. और ये बहुत खूबसूरत सा रोड हमें लेके जाएगा इवॉल्व बैक. और ये 3 किलोमीटर का खूबसूरत सा रोड बना हुआ है कॉफी स्टेट के बीच से. जी हाँ, यहाँ ग्रीनरी तो है ही, साथ में कॉफी की महक भी है. सो ये रोड डायरेक्ट हमें ले जा रहा है अपने रिजॉर्ट की तरफ. वेलकम टू इवॉल्व बैक गाइस.
कुछ ऐसे अंदाज में होता है यहाँ आपका ग्रैंड वेलकम। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया में। यहाँ पर चेक इन की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है और आपको सर्व किया जाता है वेलकम ड्रिंक, जो यहाँ की स्पेशल कॉफ़ी से बना हुआ कोल्ड ड्रिंक जैसा होता है, जो आपको बाहर शायद ही कहीं मिलेगा। यहाँ पहुंचकर आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको पर्सनली एक पर्सन असाइन होता है, जिन्हें आप थ्रू आउट द स्टे कभी भी किसी भी हेल्प के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ होती है हमारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी और अब हम चलते अपने विला की ओर। और हम विला जाएंगे अपने इस बग्गी से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिजॉर्ट में कहीं भी घूमने के लिए आपके लिए बग्गी अवेलेबल रहती है। असिस्टेंट मिस दीक्षा, जो कि बहुत स्वीट लेडी थी, हमारे चेकिंग करने से चेकआउट तक 24/7 इन्होंने बेस्ट हॉस्पिटलिटी दी। इन्होंने रिसेप्शन से विला जाने के पहले हमें रिजॉर्ट का पूरा टूर कराया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी। रिजॉर्ट वाकई बहुत खूबसूरत था। उसके बाद ये हमें ले गई अपने विला की ओर। पर विला जाने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दूँ, और हाँ, रिजॉर्ट का टूर वो मैं आपको कल कराती हूँ डिटेल में। आज आपको विला के बारे में देती हूँ इन्फॉर्मेशन और ले चलती हूँ हमारे विला की ओर। यहाँ टोटल 300 एकड़ एरिया है, जहाँ पर बाकी में कॉफ़ी प्लांटेशन, और 35 एरिया में ये रिजॉर्ट है, जहाँ पर 63 विलास है। और मेनली ये विलास को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लिली पुल बंगलो, सेकंड हेरिटेज पुल विला, थर्ड लिली पुल विला, फोर्थ लिली पुल कॉटेज, जिसमें से हेरिटेज पुल विला बिगेस्ट वन है और लिली पुल कॉटेज स्मॉलेस्ट। यहाँ पे सारे ही विलास में आपको प्राइवेट पुल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और ये विला 18,000 से 32,000 पर विला पर नाइट है। सो हमने जो विला बुक किया वो था हेरिटेज पुल विला। आइए करते हैं इस विला का टूर। ये विला टोटल 4500 स्क्वायर फीट एरिया में है और सॉलिड वुड से बना हुआ है। यहाँ मोस्टली चीज़ें इको फ्रेंडली है। एंटर होते ही लेफ्ट साइड में आपको एक लिविंग एरिया मिलेगा। विला का इंटीरियर भी प्योरली वुड का है। एंटीक होने के बावजूद भी ये रिजॉर्ट में मॉडर्न लुक देता है, जैसे वो कॉफ़ी और बार का सेक्शन। और जी हाँ, एंटर होते ही हमें ये मिला था वेलकम नोट। सो ये रहा लिविंग एरिया। द बेस्ट थिंग इज़ दैट आंगन। जी हाँ, ये आंगन टाइप कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ से सनलाइट आती है डायरेक्ट, जो कि पूरे रूम में रोशनी देती है। टेलीविज़न, और यहाँ से ये व्यू। जी हाँ, आपके पर्सनल स्विमिंग पूल का व्यू। प्राइवेसी के लिए वहाँ पर लेक भी दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं अब बाकी रूम्स की तरफ। ये रहा बेडरूम और ये वार्डरोब। अब चलते हैं मेन सेक्शन बाथरूम की ओर, जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ मोस्टली चीज़ें इको फ्रेंडली थी, जैसे पत्ते, और यहाँ का टूथब्रश भी इवन वुड से बना हुआ था। और एक स्पेशल बात इस बाथरूम की, ये ओपन बाथरूम था। जी हाँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सनलाइट आती है। ये एरिया ओपन है बाथरूम से, जो कि लगा हुआ है। यहाँ से एक गेट है जिसको आप अगर ओपन करते हैं तो डायरेक्ट स्विमिंग पूल की तरफ जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रूम गंदा नहीं करना चाहते, स्विमिंग पूल एक्सेस करके अगर आप रिटर्न आना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस डोर से आ सकते हैं। यहाँ बाथटब की भी फैसिलिटी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बेडरूम, जो कि काफ़ी बड़ा था। ये रहा बेडरूम। ये था विला के रूम का टूर। एंड ये गेट भी विला के बैक साइड गार्डन एंड पुल एरिया की तरफ ओपन होता है। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विला, ह्यूज प्राइवेट पुल तो है ही, साथ में टेम्परेचर कंट्रोल पुल भी है। जी हाँ, इंडिया में ये फैसिलिटी बहुत कम होटल या रिजॉर्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ आपको टेम्परेचर कंट्रोल पुल मिलता है। यहाँ 27 डिग्री टेम्परेचर तक वाटर रहता है। यहाँ वाटर तो क्लीन है ही, साथ में आपको पुल में जकूजी एरिया भी मिलता है, जहाँ वाटर बबल्स आपको रिलैक्सिंग मसाज देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको रिलैक्सिंग मसाज भी प्रोवाइड होता है। ये पुल सिर्फ हेरिटेज एंड लिली पुल विला में अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, ये रहा विला का टूर। अब रिलैक्स करते हैं और मिलते हैं नाइट में डिनर के टाइम। तो अब चलते हैं डिनर के लिए, और हम डिनर के लिए जा रहे हैं पेपर कॉर्न रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट लेक के जस्ट साइड में है और डेक पर बना हुआ है।
यहाँ लाइटिंग के लिए सिर्फ कैंडल का यूज होता है। टेस्टी डिनर के साथ आपको लेक व्यू भी मिलता है जो कि वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ मुगलाई एंड नॉर्थ इंडियन टेस्ट का फूड अवेलेबल रहता है। यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों ही बेस्ट है, बट आई रिकमेंड आप यहाँ पे सिजलर जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड खाने के बाद यहाँ का डेजर्ट जो कि डिनर को चार चांद लगा देता है। तो डिनर करने के बाद हम पैदल ही अपने विला की ओर चल पड़े, जो कि जितना ही खूबसूरत ये दिन में लग रहा था उससे कई ज़्यादा पीसफुल ये रिजॉर्ट रात में था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिजॉर्ट इको फ्रेंडली है, तो मोस्टली यहाँ लाइटिंग के लिए सोलार एनर्जी का यूज़ किया जाता है। एंड जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये पार्क कितना खूबसूरत लग रहा है नाइट में। वाकई यहाँ आप अपने आप को नेचर के और ज़्यादा करीब पाओगे। इसी के साथ हम पहुँच गए अपने विला और इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर और जानेंगे यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो लिंक नीचे दे रही हूँ, आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।